तो आज हम आपको करवाएंगे कन्हैया के बाल गोपाल रूप के अलौकिक दर्शन, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ज्योतिष आचार्य प्रकाश जोशी जी और गणेश तिवारी जी करेंगे गोपाल जी के इस स्वरूप का विशेष श्रृंगार और अभिषेक। तो शुरुआत करते हैं इस अभिषेक की, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जन्माष्टमी पर कन्हैया का श्रृंगार किया जाता है, पूजन किया जाता है, क्या महत्व है इसका, क्यों किया जाता है? जन्माष्टमी पर कन्हैया का श्रृंगार किया जाता है, पूजन क्यों किया जाता है? बहुत से जातक ये समझते हैं कि पूजन हम क्यों करें आखिर जन्माष्टमी पे, तो मैं आपको शास्त्र के हिसाब से देख लेते हैं कि शिव पुराण हम ले लेते हैं, साथ में हम श्रीमद् भागवत पुराण ले लेते हैं, अग्नि पुराण ले लेते हैं, मत्स्य पुराण ले लेते हैं। इन पुराणों में लिखा है कि पूजन करना चाहिए। पहला प्रश्न हमारा ये उठ जाता है कि पूजन अगर हम भगवान ने कर्म हमारे लिखे ही हैं तो हम पूजन क्यों करें जब हम उसको बदल ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि नहीं नहीं भक्तों, ऐसा है कि पुराणों में लिखा गया है अगर आप पूजन करते हैं शिव जी का या कन्हैया का या किसी भी भगवान का अगर आप पूजन करते हैं तो आपके जो 10 साल बाद जो आने वाले कर्म है उसमें कटौती हो जाती है, जो आपका अशुभ फल है उस वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमें पूजन करना चाहिए, ये शास्त्रवद विधि है और ये शास्त्र में लिखा भी है। जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा आपने बात बताई कि हम क्यों करते हैं भगवान का पूजन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्म तो लिखे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, भगवान की कृष्ण की अगर कृपा हो जाए तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाती हैं। पूजन की अगर मैं शुरुआत करवाना चाहूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभिषेक की शुरुआत किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार भगवान का पूजन शुरू किया जाता है? देखिए, अभिषेक की शुरुआत के अंदर पहले हम आचमन करते हैं, आचमन करने के बाद पहले शुद्धि की जाती है, शुद्धि की जाती है, पूरे पहले स्थान की शुद्धि की जाती है, फिर उसके बाद दीपक जलाया जाता है, दीपक जलाने के बाद हम अक्षर पहले गौरी गणेश जी का पूजन करते हैं, उसके बाद कान्हा जी का पूजन करते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी कि ये पूजन शुरू किया जाए ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें कि किस प्रकार ये पूजन किया जाता है। ठीक है। ओम हरिः ओम अपवित्रः पवित्रवाः सर्वांगवस्तांगरूपिवाह्या सुम्रे पुंडरीकाक्षां सभ्याभ्यन्तरासुचिः पुंडरीकाक्षाय पुनान्तु पुंडरीकाक्षाय पुनान्तु पुंडरीकाक्षाय पुनान्तु मा। हरि ओम हस्तप्रक्षालनं नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। नमः हस्तप्रक्षालनं महर्षिकेशाय नमो नमः। अब यहाँ से जो है भगवान गणेश जी का ध्यान, सबसे पहले अपने इष्ट देवता और गणेश जी को नमस्कार। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। भूर्भुवस्व इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। यहाँ से जो है अब दीपक अग्नि देवता का पूजन करना चाहिए सबसे पहले। ओम हरि ओम महा दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दन दीपक हरतु मे पापम पूजा देव नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम सर्वेषां बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। श्री दीपक ज्योतिर्भ्याम नमः ज्वाला मालिनी नमः। इस प्रकार से जो है दीपक की पूजा करके जो है उनसे प्रार्थना की जाती है। ओम हरि ओम महा जयंतिर मंगला काले भद्र काले कपालिने दुर्गा शिवा शिवाराते स्वाहा नमोस्तुते। जय तं देवी चामुंडे जय भूताचारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। इस प्रकार जो है दीपक अग्नि देवता से प्रार्थना करने के बाद जो है हम हाथ में थोड़ा सा प्रतिज्ञा संकल्प जो पूजन से पहले किया जाता है कि हम अपने घर की सुख शांति के लिए और घर में धन और जो है सुख वृद्धि के लिए जो है संकल्प लेते हैं। हाथ में जो है जौ और तिल लेकर के जो है आज ये महीना है और ये तिथि है, ये बार है और आज है भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन। इस उपलक्ष्य में हम भगवान कृष्ण का पूजन करने जा रहे हैं जिससे जो है हमारे घर की मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो, सभी के कार्य जो है सफल हो, इस मनोकामना से हम जो है संकल्प करते हैं और संकल्प जो है हम भगवान कृष्ण के आगे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से जो है सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। ओम हरि ओम गजानन भूत गणादि सेवितं कपि ध्वजम्भो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओम गंगणपते नमः।
श्री अंबिकाई नमो नमः, गणेशाम्बिकाई नमो नमः। ओम हरि ओम महा, फिर गणेश जी का पूजन। ओम हरि ओम महा। ओम पाद्युर्पाद्यम स्त्रीर्गमुखी आजमनम सर्वांगी सुसनानियम जलम समर्पयामि पंचामृतम महा हरि ओम पंचनदः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदा सुदेशेत बहुसृतः सरितः हरि ओम महा पंचामृत के बाद ओम हरि ओम महा पंचामृत स्नानांति शुद्धोदक स्नानम गंगे शिवने शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रम हरि ओम महा। युवा सुभासा परिवीता आगात सुश्रियमान भवति जायमानः तम धीरा सकुनंति स्वाध्य मनसा दीवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रान्तिः यज्ञोपवीतम हरि ओम महा। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरुषतात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतीजः यज्ञोपवीतान्तिः चन्दनं हरि ओं महा। ओं गन्धद्वारा दुरादर्शां नितपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं महा। चन्दनान्ते अक्षतं ओं अक्षता सुश्रुश्रेष्ठौ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणो परमेश्वरः अक्षतान्ति पुष्पमाल्याम् ओं माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादिनि वे प्रभो मया यतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां महा। पुष्पमाल्यान्ति धूपम् आग्रापयामि प्रदक्षदीपं दर्शयामि धूपं दीपान्ति हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यं महा। हरि ओं महा। ओं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णुर्द्योः समवृत्तः पदभ्यां भूमिर्दिशः सूत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ति ऋतुफलं हरि ओं महा। ओं जः फल निर्जा फला पुष्पाजा पुष्पणि बृहस्पति प्रसूतास्तानुमुञ्चन्दुवंशः नैवेद्यान्तिः मुक्षुद्यर्थि आजमनीयं जलं हरि ओं महा। ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणि आजमनीयं मुत्रापोषणम् हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं जलं समर्पयामि जलान्तिः पुंगीफलं हरि ओं महा। पुंगीफलमहदिव्यं नागवल्लीदलितं ईलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतां महा। ताम्बूलपत्रान्ते हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनन्तं पुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छमि भगवते श्री गंगणपते नमः। अंबिकायै नमः। कृतायाः पूजाय साधुर्ण्यार्थे यथाशक्तिर्द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। तो बिल्कुल ये लगातार पूजन जो है हमारे चैनल के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं। कान्हा अभिषेक लाइव आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से और लगातार ये पूजन चलता रहेगा। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप पूजन करते रहिए और आपसे हम साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि अगर पूजन किया जाए जो भक्त जो है आज पूजन करना चाहते हैं भगवान जी का कृष्ण जी का क्या कोई दिशा भी है जिसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल जी, दिशा है आप जो है पूरा मुख होके या उत्तर मुख होके ही पूजन करें तो बहुत अच्छा रहता है। और इसमें अगर आप पूजन करें और मंत्र जैसा मैंने बताया था ना ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ये मंत्र से थोड़ा सा आचमन कर ले। आचमन करने के बाद दीपक और धूप जलाई जाती है और उसके बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। आपको सीधे हाथ में थोड़ी सी दक्षिणा जौ और काले तिल आपने लेने हैं और भगवान से आपने संकल्प करना है क्योंकि मनोकामना तो आपने मांगनी है ना। आप किसी भी प्रकार से आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प क्या होगा, हे प्रभु मेरा नाम यह है, मेरे दादा का नाम यह है, मेरे परदादा का नाम यह है और मैं जो हूँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी में गौरी गणेश पंचांग देवता का पूजन कर रहा हूँ और प्रमुख देवता श्री कृष्ण जी का पूजन और अभिषेक करना चाहता हूँ, ये कह के आप जो है संकल्प चढ़ाएं। और भगवान से कोई मनोकामना मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि मनोकामना प्रभु को पता है, कृष्ण देव को पता है कि आपकी क्या मनोकामना है। उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र ना आता हो अभिषेक का तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो एक मंत्र होता है ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मैतनियम कृष्ण त्वामहम शरणागता ये एक अलौकिक मंत्र है। आप इसका मंत्र का पाठ करते हुए ज्यादातर भक्तों को ये मंत्र आता ही है और अभिषेक करते रहें। जी बिल्कुल, तो अभिषेक ये लगातार जारी है और बहुत कुछ हमने जाना है कि किस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं और लगातार हम यही जानते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप भी कान्हा की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप भी कान्हा अभिषेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कान्हा के दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तिवारी जी और साथ ही साथ प्रकाश जोशी जी और इनसे हम जाने कि किस प्रकार आप कान्हा को आज के दिन प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ उन्हें खिलाएं, कैसे उनकी पूजन किया जाए।
अब मैं चाहूंगी कि ये पूजन जो हम कर रहे थे ये अब दोबारा जारी किया जाए, ताकि ये, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम पूजन करते हैं, आपने दिशा बताई, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका आज निषेध करना चाहिए, जिस चीज़ों को आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर आप कान्हा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो? देखो, कान्हा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चावल नहीं चढ़ाया जाता है सिर्फ उनको, ये थोड़ा सा भक्तों को ध्यान देना है। और दूसरा चीज़, मांस मदिरा का थोड़ा सा परहेज किया जाता है, लहसुन प्याज का आज वर्जित होता है। वैसे तो भक्तजन व्रत रखते हैं आज के दिन, फिर भी ये कि जो नहीं रख पाते हैं वो थोड़ा लहसुन प्याज ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भक्ति जो करें अपने मन से करें, जैसे मैंने कहा कि पूजा का फल आपको 10 वर्ष के बाद प्राप्त होगा, आपको नहीं प्राप्त होगा तो आपके पोते को प्राप्त होगा, आपके बालक को प्राप्त होगा, इसलिए आपने श्रद्धा भक्ति से आज के दिन पूजा करनी है और कृष्ण जी का अभिषेक करना है। जी बिल्कुल, तो पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और अब हम भी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा को दोबारा जारी करते हैं। अभी हमने गणेश जी का पूजन किया है, अब हम कृष्ण जी का पूजन करते हैं। ओम हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपाश्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। हरि ओम श्री कृष्णाय नमः, ध्यानम समर्पयामि। ये पूजन आप जारी रखिएगा, लेकिन साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पीतल जी के ही गणेश जी का पूजन किया जाता है? देखिए, पीतल जी के कृष्ण जी का पूजन के साथ में आप और भी मूर्तियां और धातु स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि सोने की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं, सोने जी के कृष्ण बना के आप जो है स्थापित करेंगे घर में, अगर स्थापित करते हैं आज के दिन अगर पूजन करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है अगर सोने के से आप करते हैं। दूसरा, चांदी के से के आप कृष्ण जी लेते हैं और उनको स्थापित करते हैं और उनका आज के दिन अगर आप पूजन करते हैं तो अचानक होने वाली जो कष्ट है, अचानक आने वाली व्याधि है, उससे आपका छुटकारा मिलता है। अष्ट धातु के अगर आप ठाकुर जी लेते हैं और उनको घर में स्थापित करते हैं और उनका पूजन और जिस प्रकार से अभिषेक चल रहा है आप देख रहे हैं, आप इस तरह से अभिषेक करते हैं तो अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। यदि आप नदी के किनारे की मिट्टी के ठाकुर जी अगर आप ले सकें तो भक्तजन ले लें, और अगर वो अगर आप लेते हैं और आज के दिन अभिषेक करते हैं तो घर के अंदर जो अक्सर जातकों की परेशानी चलती है कि क्लेश ज्यादा होता है, गृह क्लेश से शांति होती है, साधारण मिट्टी से भी आप ले सकते हैं ठाकुर जी स्थापित करें तो घर में शांति का वास होता है। तांबे के ठाकुर जी अगर आप ले सकें तो बहुत अच्छा है, तांबे के ठाकुर जी लेने से घर के अंदर अगर आप लगते हैं आज के दिन उसके अभिषेक करते हैं तो संतान से संबंधित बाधा, संतान नहीं हो रही है, संतान परेशान कर रही है, तो संतान संबंधित परेशानी आपकी खत्म हो जाती है। पीतल के आप, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम पीतल के ही ले रहे हैं, पीतल के अगर ठाकुर जी आप घर पर स्थापित करते हैं तो भाई बहन और पति पत्नी के बीच में जो मतभेद होता है वो खत्म हो जाता है और उनमें प्रेम आ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं कहां जा सकता है कि जो दूर हो जाती है अगर आप कान्हा जी को आज के दिन प्रसन्न करते हैं तो। अभिषेक हम देख रहे हैं कि किया जा रहा है, क्या कुछ हम इसके लिए सामग्री चाहिए होती है? देखिए, अभिषेक के लिए पहला तो दूध चाहिए होता है, क्योंकि अभिषेक के लिए दूध चाहिए होता है, शहद चाहिए होती है, उसके साथ में थोड़ा सा जो है इसमें सफेद तिल मिलाया जाता है, क्योंकि इनको चावल वर्जित है और इसलिए सफेद तिल इनको अति प्रिय है। और ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में आया भी है कि सफेद तिल ने इनसे वरदान मांगा था कि मैं आपकी पूजा में शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि आपके शरण में जो व्यक्ति जाता है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो कृष्ण जी ने वरदान दिया था उन तिल महाराज को, तो सफेद तिल ही इनके में चढ़ाए जाते हैं। ये विशेषता है कि अगर आप कोई भी पूजन ना भी कर पाए, आप सिर्फ सफेद तिल भगवान को चढ़ा दें और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो भक्तों को आता ही है, वो थोड़ा सा कर ले, अगर कोई बिल्कुल भी पूजन नहीं जानता है, उसी से आज जन्माष्टमी के दिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और देखा जाए तो अभिषेक में देखा जाए तो अलग अलग चीजों से होती है अभिषेक। अभिषेक की हम बात कर लेते हैं तो कृष्ण जी का पंचामृत से अभिषेक होता है, पंचामृत हमने डाला है इसके अंदर। पंचामृत से अभिषेक होने से क्या होता है, अकाल हानि, जो अचानक आपके घर में हानि बनी हुई है, अचानक नुकसान बना हुआ, वो आपका शांत हो जाता है। कृष्ण जी का शहद से भी अभिषेक होता है, शहद से अगर आप अभिषेक करते हैं तो घर में जो भी धन की आपके साथ में समस्या चल रही है, आर्थिक परेशानी चल रही है, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, पद प्रमोशन
नहीं हो रहा है, भक्तों के बड़े कष्ट हैं, तो वो चीज़ आपकी दूर हो जाती है। हम देख भी रहे हैं कि हम शहद से अभिषेक कर रहे हैं, ये जजमानों के लिए आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपके जो भी धर्म से संबंधित कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। इसके बाद अभिषेक में देखा जाए तो दही से अभिषेक होता है। दही से अभिषेक करते समय, दही से अगर हम अभिषेक करते हैं तो मानसिक परेशानी, जो मेंटल परेशानी, हमारा आज का समाज इस प्रकार का हो गया है कि हमें मेंटल परेशानी है, कहीं ना कहीं कंपटीशन है, कहीं ना कहीं प्रेशर है वर्क का, तो हम सब डिप्रेशन में रहते हैं। तो उसके लिए हम जो है दही से अभिषेक करते हैं, जो कि आप जजमानों के लिए हम कर रहे हैं दही से अभिषेक, ताकि आपको मेंटल डिप्रेशन ना रहे, मानसिक तनाव ना रहे। उसके बाद कृष्ण जी का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से अभिषेक इसलिए किया जाता है कि संतान से संबंधित सबसे अच्छा फल, कहते हैं ना, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत पदे देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणागता, मतलब हे प्रभु हमें ऐसी संतान दीजिए जो कि आपकी तरह हो और हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति कराए और आप ही की तरह वो जो है माता पिता का आदर करे, आदर और सत्कार करे। इसलिए जो है गंगा जल से अभिषेक किया जाता है कि गंगा जल से अभिषेक करके संतान से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। तो ये सब आपके लिए हम आज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कान्हा जी का अभिषेक, और कान्हा जी को पहले अच्छी तरीके से, जैसे आपने बताया, दूध गंगा जल पंचामृत से स्नान करवाया गया, साथ ही साथ आप दोबारा उन्हें वस्त्र धारण करवाए जा रहे हैं और उनका श्रृंगार किया जाए, श्रृंगार किया जाता है। जी, श्रृंगार अगर बात की जाए तो श्रृंगार के साथ ही साथ माखन, कहते हैं कि भगवान जी को बहुत प्रिय होता है, तो आज के दिन क्या माखन खिलाने से भी भगवान खुश हो जाएंगे? देखिए, मैंने आपको बोला था देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत पदे देहि में तनियम कृष्णा त्वामहम शरणागता, मतलब ये है, ये मंत्र इतना सर्वोत्तम मंत्र है, आप माखन खिलाइए, आप पेड़े के भोग लगाइए, ये कृष्ण जी को कहा जाता है पेटू, आप कुछ भी करिए, ये कभी मना नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा है, अग्नि पुराण के अंदर लिखा है कि जो भी भक्त, इन्होंने कहा जो भी भक्त मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे कष्ट दूर कर लूंगा, और अगर वो मेरी शरण से जाएगा, उसके बाद जाना चाहता है, मैं जाने भी नहीं दूंगा। इनकी इनकी ये खासियत है, जो इनकी शरण में आता है उनका उद्धार करते हैं ये, और इनका भोग जो भी व्यक्ति आज के दिन जो जिन्होंने स्थापित नहीं किया है वो स्थापित करके देखें, आज के दिन स्थापित भी किए जाते हैं ये घर में, आप डेली इनको तुलसी का, तुलसी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है, बहुत से दाम्पत्य और जातक जो है सालों से करते आ रहे हैं, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा करना चाहिए। जी, तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि सारे ही कष्टों को हर लेते हैं कान्हा, अगर कान्हा को प्रसन्न किया जाए तो, और बहुत आसान है इन्हें प्रसन्न करना, एक छोटे से मंत्र से भी प्रसन्न किया जा सकता है, या फिर इन्हें कुछ अच्छा खिला के जो इनका मन चाहो हो तो उससे भी प्रसन्न किया। देखिए, मैंने कहा ना इनको पेटू कहा जाता है, इनको ये उपाधि जो है ब्रज में दी गई है कि ये पेटू हैं, तो इसलिए इनको आप पेड़े खिला सकते हैं, आप खीर का इनके लिए भोग लगा सकते हैं, और इनको जो है काले, एक तो सफ़ेद तिल और तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है, तुलसी इन पर चढ़ाई जाती है और काले तिल इनको चढ़ाया जाता है, जो जातक कुछ भी ना जानता हो, पूजा ना जानता हो, वो तुलसी और काले तिल ही चढ़ा देता है, तो उससे ये प्रसन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और अब ये अब हमने भोग लगा दिया है, तो अब कान्हा जी को भोग लगा दिया गया है, फल अर्पित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं हरि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणि आजमिनम समर्पयामि हरि ओम पुंगी फल मह दिव्यम नागवल्ली दृढ़तम तांबूलम प्रतिरताम तांबूल प्रतांति ओम। अब जो है भगवान को नमस्कार नमस्कार किया जाएगा। हरि ओम महाओम हरि ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये हमने अभिषेक कर दिया, भगवान करे जो भी P7 के व्यूअर हैं, जो भी जातक आज देख रहे हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जी बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। आप सब दोनों का बहुत बहुत